मूलतः एनआरएचएम क्या कार्य करता है? जितने भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम्स हैं, वो सब कुछ एनएचएम के माध्यम से ही संचालित होता है। लोग थोड़ा सा जिस प्रकार से पहले डोज को लेकर एक उत्साह था, सेकंड डोज में थोड़ा ऐसा देखने में आ रहा है कि थोड़ा देरी हो रही है या लोग उसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। इसके लिए प्रयासरत है हमारा पूरा स्वास्थ्य का अमला, इसको मॉनिटर कर रहा है। एक वो तनाव का क्षण जरूर जानना चाहूँगा जब ऐसा लगा हो कि नहीं अब कैसे करें, भरोसा कई बार ऐसा लगता है कि अब तो मैंने तो अपना मैक्सिमम कर दिया, अब तो ईश्वर इसकी रक्षा करे जो भी है ऊपर वाले के हाथ में, ऐसा कभी कोई मोमेंट आया उस दौरान? इतने बिजी रहे कि सोचने का ये मौका या तनावग्रस्त होने का टाइम ही नहीं मिला। तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है प्रदेश? पहले तो आने ही नहीं देंगे एक वो बात, और अगर आती है तो कितनी तैयारी है? हमारे समस्त ब्लॉक्स पे जो है ये पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो है अभी बहुत शीघ्र ही स्थापित होगा, और फर्स्ट राउंड के कुछ चीज़ों मतलब कुछ ब्लॉक्स के लिए हमें ऑलरेडी सैंक्शंस भी मिले। आईएनडी 121 में प्रियंका दास एनएचएम डायरेक्टर से खास बातचीत देखिए चैनल हेड नवीन पुरोहित के साथ रविवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ आईएनडी 24 पर।